लखानी बूट एंड शूज मेन चौक आजमगढ़। आपके शहर आजमगढ़ में ब्रांडेड फुटवियर का 150 वर्ष पुराना प्रतिष्ठान। एडिडास, रिबॉक, कैंपस, ऑफ लिमिट्स, वुडलैंड, रेड चीफ, आईडी, लिबर्टी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के फुटवियर उपलब्ध। फैंसी लेडीज स्लीपर एंड पर्स, बच्चों के लिए फैंसी और स्कूल शूज की भरपूर रेंज। लखानी बूट एंड शूज मेन चौक आजमगढ़। बीती 24 नवंबर की रात मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर ग्राम सभा के भरोलिया पुरवा में घर में सो रहे पति पत्नी संग मासूम बच्ची की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस घटना में दंपत्ति के दो अन्य बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। करीब एक सप्ताह बीतने के बाद भी पुलिस इस तेरे हत्याकांड का राजफाश नहीं कर पाई है। मृतक का परिवार बेहद गरीब है। मृत दंपत्ति के बच्चों की आर्थिक मदद के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व आजमगढ़ संसदीय सीट से सांसद अखिलेश यादव आगे आए हैं। उन्होंने पार्टी की ओर से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। शनिवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मृतक के घर पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट करते हुए 2 लाख का चेक परिजनों को प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और जिले की कानून व्यवस्था पर जमकर प्रहार किया। हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुबारकपुर थाने में एक इब्राहिमपुर भरौलिया गांव है, जहां 24-25 नवंबर की रात में एक परिवार पर हमला हुआ था। इरफान गांव से थोड़ी दूरी पर हट करके मकान बनाया था और सब परिवार रह करके मजदूरी करके अपने भरण पोषण करता था। अत्यंत ही गरीब परिवार था। रात में 24 तारीख के किसी ने इसके ऊपर हमला किया और उस हमले में खुद इरफान और उसकी पत्नी और उसकी दूधमयी बच्ची ये जान से मारे गए और उसके दो बच्चे घायल होकर के अस्पताल में आज भी पड़े हुए हैं। वो दोनों बच्चे उसके नाबालिग हैं, एक बच्ची है और एक बच्चा है। तो यह घटना हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत थी और यहाँ के सांसद आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस घटना के बाबत जब सूचना मिली तो उन्होंने पीड़ित व्यक्ति परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त किया और कहा कि जो कुछ हो गया है हम उसको वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन समाजवादी पार्टी इस गरीब परिवार के साथ खड़ी है। और आज उन्होंने समाजवादी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से 2 लाख रुपये का चेक उस गरीब परिवार को आर्थिक सहयोग के रूप में भेजा था। उसी चेक को देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से हम घटना के बाबत सिर्फ यही कहना है कि इस तरह की घटनाएं हमारे मुबारकपुर थाना के अंतर्गत ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर हो रही है। नौजवानों की, गरीबों की, महिलाओं की और अल्पसंख्यक समाज के लोगों की सुरक्षा करने में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल चल रही है, नाकाम साबित हो रही है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा राहुल प्रेक्षागिरी में आयोजित मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यशाला सार्वजनिक भूमि का चिन्हीकरण व अतिक्रमण मुक्त अभियान का शुभारंभ किया गया। उक्त कार्यशाला 2 सत्रों में लेखपाल, कानूनगो, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा एडीओ को दिया गया। प्रथम सत्र 10 बजे से 12 बजे तक तहसील सदर निजामाबाद, बुरहनपुर, मेहनगर के विकासखंड पलनी, सठियाव, जहानागंज, रानी किसराय, तहबरपुर, मिर्जापुर, अतरौलिया, अहरौला, कोयसा, मोहम्मदपुर, मेहनगर तथा पलना। द्वितीय सत्र 12 बजे से 2 बजे तक तहसील मार्टिनगंज, लालगंज, फूलपुर, सगड़ी के विकासखंड तरवा, लालगंज, मार्टिनगंज, फूलपुर, पवई, अजमतगढ़, बिलरियागंज, महाराजगंज तथा हरैया के लेखपाल, कानूनगो, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा एडीओ को प्रशिक्षित किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण देने का उद्देश्य है कि प्रायः देखा जा रहा है कि दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से आम जनमानस हेतु
उपयोगी सार्वजनिक सामुदायिक स्थलों पर अनधिकृत कब्जा अतिक्रमण किए जाने की शिकायतें संज्ञान में आ रही हैं, जिसके निराकरण हेतु आम जनमानस को अनावश्यक रूप से दूरस्थ ग्रामों से चलकर जनपद मुख्यालय तक आना पड़ता है। इस संबंध में जनपद के प्रत्येक ग्राम में विशेष अभियान चलाकर सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित भूमि जैसे तालाब, पोखरा, नाला, चकरोड, सेक्टर रोड, खेल का मैदान, चारागाह, नवीन परती, बंजर आदि भूमि पर किए गए अवैध कब्जे अतिक्रमण जनहित के दृष्टिगत अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु ग्राम में सभी आरक्षित भूमि का चिन्हीकरण सीमांकन कर मनरेगा योजना के अंतर्गत नियमानुसार आरक्षित भूमि को विकसित कर आम जनमानस के उपयोग में लाना है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद 5 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जनपद के प्रत्येक राजस्व ग्रामों में विस्तृत मुनादी कराते हुए सार्वजनिक सामुदायिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर सीमांकन कराए जाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक गांव के स्तर पर जो बुनियादी अवस्थापना सुविधाएँ हैं या लोक कल्याणकारी नीतियाँ हैं, उसमें कन्वर्जेंस के मॉडल में राजस्व विभाग और ग्राम विकास विभाग और पंचायत विभाग, कृषि विभाग सब मिल करके कैसे एक समेकित रूप से काम करें, उसी के लिए एक वर्कशॉप है जिसमें उनको दक्षता संवर्धन किया जा रहा है और उनको प्रेरित किया जा रहा है ताकि दिसंबर में एक मिशन मोड में इन कार्रवाइयों को हम एक कुशलता के साथ दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के चुनाव के लिए शुक्रवार और शनिवार को लगातार 2 दिन नामांकन दाखिल किए गए। 2 दिसंबर यानी दिन सोमवार को भी प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र भरा जाएगा। निर्वाचन अधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि 2 दिन के नामांकन में अब तक अध्यक्ष पद हेतु 5, मंत्री के लिए 6, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु 2, सहमंत्री पद के लिए 8, कनिष्ठ उपाध्यक्ष 3, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य 11, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य 5, कोषा अध्यक्ष पद हेतु 2 और आय व्यय निरीक्षक पद के लिए 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 3 दिसंबर को होगी, नाम वापसी 4 दिसंबर, मतदान 20 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से 5 बजे तक तथा मतगणना 21 दिसंबर को कराई जाएगी। और नामांकन जो है कल दिनांक 29 तारीख और 30 आज 30 तारीख को 2 दिन हुआ है, अभी 2/12/19 को फिर होगा, सोमवार को दिन भी नामांकन है। अभी तक जो है अध्यक्ष पद हेतु 5 लोगों ने पर्चा दाखिल किया है, मंत्री हेतु 6 लोगों ने पर्चा दाखिल किया है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु 2 लोगों ने पर्चा दाखिल किया है, वरिष्ठ कार्यकारिणी पद हेतु कुल 11 लोगों ने पर्चा दाखिल किया, कनिष्ठ कार्यकारिणी हेतु 5 लोगों ने पर्चा दाखिल किया है और सहमंत्री पद हेतु कुल 8 लोगों ने पर्चा भरा, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु कुल 3 लोगों ने पर्चा भरा है, कोषाध्यक्ष पद हेतु 2 लोग पर्चा ले गए थे, दोनों लोग पर्चा भर चुके हैं और आय व्यय निरीक्षक में 2 लोगों ने पर्चा भरा है और इस तरह से सभी पदों पे पर्चा भरा गया, कुछ लोग अभी बाकी हैं। सोमवार 2/12/19 को अभी नामांकन तिथि है और शेष लोग उस दिन पर्चा अपना दाखिल करेंगे। और यहाँ का जो है नामांकन पत्रों की जांच जो है 3/12/19 को होगी और वापसी 4/12/19 को होगी और मतदान जो है 20/12/2019 को प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, मतगणना जो है 21/12/2019 को प्रातः 8 बजे से मतगणना समाप्ति तक चलेगा। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 की सफलता को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी है। धर्मगुरुओं के साथ ही ब्लॉक स्तर पर बैठक आयोजित की जा रही है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शनिवार को जिला महिला अस्पताल में प्रेस वार्ता कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एके मिश्रा व जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर संजय ने बताया कि मिशन इंद्रधनुष अभियान के प्रथम चरण में प्रदेश के 425 ब्लॉकों में औसत से कम टीकाकरण किए जाने पर एक बार फिर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आजमगढ़ के 4 ब्लॉक मुबारकपुर, दरियागंज, मिर्जापुर और मार्टिनगंज शामिल हैं।
बताया कि यह अभियान 4 चरण में चलेगा। 2 दिसंबर को मुबारकपुर से अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी करेंगे। 2रा चरण 6 जनवरी, 3रा 3 फरवरी और 4था चरण 2 मार्च को चलाया जाएगा। सीएम ने बताया कि सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 में 3,464 शून्य से 2 वर्ष तक के बच्चे और 928 गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य है। का मूल उद्देश्य हमारा है कि जो पूरे प्रदेश में मिशन इंद्रधनुष 2.0 के नाम से अभियान चलाया जा रहा है टीकाकरण के लिए, उसमें पूरे प्रदेश में 425 ब्लॉकों में ये योजना शुरू की जा रही है 4 चरणों में। उसमें अपने आजमगढ़ जनपद के 4 ब्लॉक हैं, मुबारकपुर अर्बन में है, मिर्जापुर, बिलरियागंज और मार्टिनगंज, ये 3 हमारे रूरल सेक्टर में हैं। ये अभियान का प्रथम चरण 2 दिसंबर से शुरू होगा, 2रा चरण 6 जनवरी से, 3रा 3 फरवरी और 4था चरण 4 मार्च से शुरू होगा। इसमें जो शासन स्तर पर ये समीक्षा की गई थी कि जिन ब्लॉकों में औसत से कुछ कम टीकाकरण हुआ है, तो यह 3 पॉइंट्स थे, उसमें हम एक बार फिर सघन अभियान चला के उसमें 100% बच्चों को हम आच्छादित कर दें, जो भी हमारे टीके लगने हैं उनसे आच्छादित कर दें। उसी के क्रम में हमारी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक, ब्लॉक टास्क फोर्स की बैठक, ये सारी हमारी आयोजित की जा चुकी हैं। हमारा हेड काउंट सर्वे भी हो चुका है। टारगेट जो हमारा है वो 3,444 का है, 0 से 2 साल के बच्चे, इतने बच्चों को हमको टारगेट करना है। गर्भवती महिलाएं 928 हैं, टोटल सेशन हमने जो प्लान किया है वो 443 और प्रतिदिन 67 सेशन चला के हम बच्चों को टारगेट करेंगे, गर्भवती महिलाओं को। तो ऑन एन एवरेज जो है 8 से 10 एक सेशन पे, 8 से 10 जो है 8 से 10 बच्चे एक सेशन पर हमारे मिलेंगे और महिलाएं भी, गर्भवती महिलाएं भी, ये लगभग जो हमारा सेशन है उसके हिसाब से 2 या 3 महिलाएं हमारी मिलेंगी। तो ये हमारा टारगेट है। इसमें कल, इसी के परिप्रेक्ष्य में कल हमने विभिन्न धर्मों के जो गुरु थे उनको हम अपने सीएमओ ऑफिस के सभागार में एक उनके साथ भी हमारी बैठक हुई, जिसमें उस पर चर्चा हुई कि कम से कम आप लोग अपने क्षेत्रों में भी जाके इसके बारे में लोगों को जागरूक करें और सहयोग प्रदान करें, और ब्लॉक स्तरों पर भी, 4 ब्लॉकों में भी, वहाँ भी MOIC और हमारे एडिशनल CMO, डिप्टी CMO ने जाके वहाँ भी धर्म गुरुओं की बैठक कर ली है। उसी के संबंध में आज ये हम प्रमुख सचिव साहब की VC भी थी, उसमें प्रमुख एजेंडा ये मिशन इंद्रधनुष ही था। मिशन इंद्रधनुष और आयुष्मान 2 एजेंडे थे प्रमुख, तो उसमें पूरी चर्चा हुई कि समस्त जनपदों ने जो पहले से क्या क्या टास्क दिया गया था, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक करना, ब्लॉक टास्क फोर्स की बैठक करना, हेड काउंट सर्वे, ड्यू लिस्ट अपडेट करना, सेशन प्लान है, धर्म गुरुओं के साथ मीटिंग है। इसी कड़ी में 2 तारीख को हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया है कि मुबारकपुर में, जो हमारा अर्बन है सेंटर ब्लॉक, मुबारकपुर में मिशन इंद्रधनुष का कार्यक्रम का आपके द्वारा उद्घाटन हो जाए। तो जिलाधिकारी महोदय ने 11:30 बजे का समय उन्होंने दिया है कि 11:30 बजे हम मुबारकपुर आके, तो हमको उम्मीद है कि जिलाधिकारी महोदय पहुँचेंगे तो थोड़ा और गति हमारी बढ़ जाएगी अर्बन में और हम अपने लक्ष्य को 100% पूरा कर लेंगे। क्योंकि 2-3 क्राइटेरिया बनाई गई थी कि इनका एवरेज कुछ कम था टीकाकरण का, और उसमें दिक्कत ये थी कि जैसे कुछ ब्लॉक्स जो हैं, जैसे हम लोग धर्म गुरुओं की मीटिंग इसीलिए बुलाए थे कि ये ब्लॉक कुछ मुस्लिम बाहुल्य है, तो थोड़ा सी दिक्कत होती है, तो इसीलिए हम लोग स्पेशली धर्म गुरुओं की बैठक बुलाए और उनको भी हम लोगों ने उसमें जोड़ा है कि आप लोग आइए। और उम्मीद यातायात माह नवंबर के समापन अवसर पर शनिवार को पुलिस लाइन में प्रश्नोत्तरी व पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आजमगढ़ के 5 स्कूल के बच्चों ने प्रतिभाग किया।
प्रतियोगिता में सर्वोदय पब्लिक स्कूल, प्रतिभा निकेतन स्कूल, एम मरियम चिल्ड्रन पैराडाइज स्कूल, नीरज एकेडमी व लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने प्रतिभा किया। पेंटिंग में हर्षदा उपाध्याय को प्रथम, सोनम यादव को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। वहीं जूनियर वर्ग में अंशिका कुमारी प्रथम, राशिद द्वितीय व अदिति कुमारी तीसरे स्थान पर रहीं। विजेता बच्चों को पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह, एसपी ट्रैफिक मोहम्मद तारिक, आरटीओ आरएन चौधरी व हिना देसाई ने प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। आज ये पूरा माह जो नवंबर चला वो यातायात माह के तौर से ट्रैफिक पुलिस और थाने द्वारा जागरूकता अभियान और प्रवर्तन की कार्रवाई, दुर्घटना ना हो इसके रोकथाम के लिए ये पूरा माह चला, जिसका समापन आज पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किया गया, जिसमें स्कूली बच्चे और कुछ एनजीओज और प्राइवेट संस्था भी भाग लिए और बहुत अच्छा सफल कार्यक्रम भी रहा आज का। देश के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु की जयंती के अवसर पर शनिवार को नगरपालिका स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में विज्ञान प्रदर्शनी व बाल मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अवकाश प्राप्त नगर खंड शिक्षा अधिकारी आत्माराम त्रिपाठी रहे व अध्यक्षता विद्या भारती के मंत्री अवध नारायण मिश्र ने की। विज्ञान प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक मॉडल्स का प्रदर्शन कर छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वहीं बाल मेले में खाने पीने के दर्जनों स्टॉल लगाए गए थे। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य धनंजय पांडे ने छात्र छात्राओं की प्रतिभा का जमकर बखान किया। बताया कि कक्षा 2 से 8 तक के बच्चों ने प्रदर्शनी में प्रतिभाग किया है। आज सर जगदीश चंद्र बसु की जयंती है। इनके उपलक्ष्य में ये भारत के महान वैज्ञानिक रहे हैं। पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, इसको सिद्ध करने वाले महापुरुष हैं। हम अपने बच्चों को विज्ञान के नए तकनीकी से जोड़ करके उनके अंदर जो उत्कंठा है, जो कुछ आविष्कार करने की क्षमता है, छोटे छोटे उपकरण के द्वारा वो अपने प्रतिभा का आज उजागर कर रहे हैं। साथ में विज्ञान के साथ साथ बाल मेला का भी हम कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें बच्चे अपना चाट है, फुल्की है, खाने पीने के वस्तुओं का निर्माण स्वयं करते हैं और एक उनको आगे चल करके स्वावलंबी बनने की उनको हम प्रेरणा देते हैं। आज के विज्ञान मेला और बाल मेला के कार्यक्रम के आयोजन करने का यही उद्देश्य है। यह हमारे बच्चे क्लास 2 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चे प्रतिभाग किए इसमें।